Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, all students. Hoping you all safe and doing well. I am Dr. Muhammad Rafiq, lecturer pharmaceutics and senior faculty member of Bahauddin Zakriya College of Pharmacy Technician, Multan. Dear students, as you know, we are continuing lectures on YouTube with the help of slides. By this, you all will clear your lectures.

दैट इज फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल टर्मिनोलॉजीज यानी ये उन एब्रीविएशन पर उन टर्मिनोलॉजीज पर मुश्तम है जो हॉस्पिटल में या कम्युनिटी फार्मेसी में यूज होते हैं सो वी फर्स्ट डिस्कस अबाउट सम शार्ट क्वेश्चन विच आर इम्पोर्टेंट इन दिस चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन इज वट डू यू नो अबाउट एब्रीविएशन यानी जो एब्रीशंस जो टर्मिनोलॉजीज हॉस्पिटल में यूज़ होती है दरअसल एब्रीवियशंस है क्या एन एब्रीवियशन इज अ फॉर्म ऑफ वर्ड और फ्रेज एक एब्रीविएशन जो है ये किसी जुमले की या किसी वर्ड की शॉर्ट फॉर्म होती है यानी मुख्तर सूरत होती है इट मे कंसिस्ट ऑफ अ लेटर यानी ये जो शॉर्ट फॉर्म बनाई जाती है ये एक लेटर पर और ग्रुप ऑफ लेटर पर मुश्तमिल होती है आर वर्ल टेकन फ्राम द फुल वर्शन ऑफ द वाटर फ्रिज या उस जुमले से या लफ्स के जो मुकम्मल वर्शन है उससे शॉर्ट फार्म जो है वो बनाई जाती है जिसको हम एब्रीविएशन कहते हैं यानी उसकी मुख्तसर सूरत कहा जाता है उसे मुखफ भी कहते हैं मिसाल के तौर पर डी आर इज एब्रीविएशन फॉर डॉक्टर यानी डॉक्टर मुकम्मल लिखने की बजाय जो शार्ट फार्म है दैट इज डी आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इन हॉस्पिटल एंड फार्मेसीज हम हॉस्पिटल या फार्मेसीज़ में एब्रीवेशन का क्यों इस्तेमाल करते हैं वट इज़ द रीज़न वट इज़ द कॉज वी यूज़ द एब्रिय वी यूज़ द टर्मिनोलॉजीज इन द हॉस्पिटल एंड फार्मेसीज एब्रीशन आर कॉमनली यूज एन मेडिकल वर्ल्ड टू सेव टाइम एंड स्पेस ये दो वजूहत हैं ये दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स में या फार्मेसीज़ में जो है वो एब्रविएशंस या टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है टू सेव द टाइम टू सेव द स्पेस वाइट्स राइटिंग इन द पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड यानी जो पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड है उसको लिखते हुए या उसका प्रेस्क्रिप्शन लिखते हुए टाइम को बचाने के लिए या स्पेस को बचाने के लिए हम एब्रीविएशन्स का इस्तेमाल करते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू एब्रीविएशन रेड्यूस और इंक्रीज मेडिकल एरर्स कि अगर हम एब्रीवेशन का इस्तेमाल करते हैं तो क्या इससे जो मेडिकल एरर्स होती हैं या मेडिकेशन एरर्स जो होती हैं वो हो सकती हैं या नहीं हो सकती एब्रिशन आर यूज टू इम्प्रूव द स्पीड ऑफ नोट कीपिंग एंड टू सिंप्लीफाई पेशेंट नोट्स यानी ये तो उसका फ़ायदा है कि उससे जो टाइम है उसकी बचत हो जाती है पेशेंट का जो टाइम है या जो जो स्पेस है पेशेंट का जहाँ पे रिकॉर्ड लिखा जा रहा है उसकी बचत है मगर ये भी रिस्क है कि उससे कोई ना कोई मिस्टेक भी हो सकती है तो ये कंफ्यूज कंफ्यूज रहता है द नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट फ्यू एग्जांपल्स ऑफ मेडिकल एब्रीविएशन के हमने यहाँ पे चंद एग्जांपल्स कोड किए कि जो एब्रीवियशंस uh, के तौर पर हम यूज़ करते हैं मिसाल के तौर पर ए सी एक एब्रीवियशन है ये हम बिफोर मील के लिए इस्तेमाल करते हैं द नेक्स्ट इज़ एड लिब ये एक एब्रीवियशन है इसको एज डिज़ायर के लिए यानी अपनी मर्जी से अपनी ख्वाहिश से उसके लिए हम ये एब्रीविएशन इस्तेमाल करते हैं एडम ए डी एम एडमिशन या एडमिटेड के लिए एब्रीवियशन इस्तेमाल की जाती है एस ए पी एज सुन एज पॉसिबल के लिए यूज़ की जाने वाली एब्रीविएशन है बी आई डी डे के लिए यूज़ की जाने वाली एब्रीविएशन है बी एम बॉल मूवमेंट ये बॉल मूवमेंट के लिए यूज़ की जाने वाली एब्रीविएशन है बी पी ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ की जाने वाली एब्रीविएशन है यानी ये चांद एक एग्जाम्पल्स हमने कोड किए हैं जो शो कर रही हैं डिफरेंट एब्रीविएशन्स का अब हम बहुत सारी एब्रीविएशन्स डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं फर्स्ट इज़ ए एटर नेम है इसका एंटी यानी ये ए है ये लेटर नेम से इसको माखूज है ये और इसके मीनिंग है बिफोर यानी पहले सेकंड इज ए ए एना से ये एब्रीविएशन है इसकी और इसके मीनिंग है ऑफ ईच हर ए की थर्ड इज़ ए ए ए यानी अप्लाई टू एफेक्टेड एरिया अप्लाई टू अफेक्टेड एरिया यानी ये अप्रीवेशन उस वक्त इसमें, इसमें इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ किसी इफेक्टेड एरिया पे अप्लाई करना हो देन ए ए ए इज़ यूज नेक्स्ट इज ए डी लेटन नेम जो है इसका ए डी और इसकी जो इंग्लिश मीनिंग है अप टू यानी जहाँ तक जैसे हम कोई जो सस्पेंशन है उसमें लिक वाटर डालते हैं और ये कहते हैं कि यहां तक इसमें पानी डालें तो वहाँ पे एड जो है अब्रीविएशन यूज़ करते हैं जिसकी मीनिंग है टू नेक्स्ट है एब्रिवियशन ए सी एंटीसीबम या एंटीसीबॉस ये लेटर नेम है इसका जहाँ से ये एब्रिविएशन माखूज है इसके है बिफोर मील्स यानी खाने से पहले नेक्स्ट जो एब्रिविएशन है वो है ए डी आरिस डेक्स्ट्रा यानी राइट ईयर के लिए हम यूज़ करते हैं इसके अलावा एडमूव एडमूव इस जो लेटर नेम है इसका और इसके मीनिंग है अप्लाई एजट जीटा से माखूज है और इसके मीनंग है शे एम एम्प, एम्प्यूल से ये डिराइव हुआ है इसके मीनिंग है एम्प्यूल यानी एसी वाइल जो सिंगल यूज़ के लिए इस्तेमाल होती हो नेक्स्ट इज एम एंटी मेरीडियम के मीनिंग है मॉर्निंग यानी एम एब्रीवियशन है ऑफ एंटी मेरीडियम से एब्रीवियशन ली गई इसके मीनिंग है मॉर्निंग यानी सुबह के टाइम एड लिब एड लिबिटम इसके मतलब एड प्लेयर यानी अपनी खुशी से यानी पेशेंट्स अपनी मर्जी से कोई चीज़ भी यूज कर सकता है तो इसके लिए एड लिबिटम जो एक लेटन वर्ड है उससे जो एब्रीविएशन की ली गई वह है एड लिब नेक्स्ट इज ए एक क्यू एक्वा से ली गई एब्रीविएशन है जिसके मीनिंग है वाटर बोलस से जो एब्रीविएशन ली गई दैट इज बॉल इसके मीनिंग है टू एडमिनिस्टर सिंगल डोज इंटरावीनसली के सिंगल डोज जो है ना वो इंट्राविनसली एडमिनिस्टर करनी है बी एस ब्लड शुगर के लिए जूस होती है एब्रीवेशन बी आई डी या बी आई डी बिश एंड डाई से ये एब्रीवेट है इसके मीनिंग है टॉइस अडे या दिन में दो बार यानी बारह बारह घंटे के वक्फे से बी एन एफ ये एब्रीवियशन है ब्रिटिश नेशनल कैप्स कैप्सुला से एब्रीविएट है जिसका मतलब है कैप्सूल सी और सी बार कम से ये एब्रीवियशन ली गई है और इसका मतलब है विद यानी सात सिब सिबस से ये एब्रीविएशन माखूज है जिसका मतलब है खुराक सी आर या सी आर एम क्रीम के लिए यूज की जाने वाली टर्मिनोलॉजी है डी ए डब्ल्यू रिटर्न यानी जैसे डॉक्टर ने लिखा वैसे डिस्पेंस किया जाए उसके लिए जो हम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं दैट इज डी ए डब्ल्यू डी फाइव डब्ल्यू इज एब्रीविएशन फॉर डेक्सट्रोज फाइव परसेंट सोलूशन नेक्स्ट इज डिव डिवाइड के लिए यूज की जाने वाली अब्रीविएशन है डिव जो है ना डिवाइडेचर से माखूज है जो लेटन वर्ल्ड है तो इसका मतलब क्या होता है तकसीम करना डी डब्ल्यू डिजिटल वाटर के लिए यूज़ की जाने वाली अब्रीविएशन है डेल DIL, डाइल्यूट के लिए यूज की जाने वाली अब्रीविएशन है एलेक्स एलिगजर के लिए यूज की जाने वाली टर्म है इमल्स इमल्शन के लिए यूज की जाने वाली एब्रीविएशन है जो कि लेटन वर्ड इमल्सम से माखूज है एट लेटन वर्ड एट से माखूज है और इसका मतलब होता है एंड यानी और जी डबल टी गुट्टा से माखूज एब्रीवियशन है जिसका मतलब है ड्रॉप एच होरा से माखूज एब्रीवियशन है जिसका मतलब होता है आर यानी घंटा एच एस होरा सुमनी एट बेड टाइम यानी होरा सोमनी से जो एब्रीविएशन ली गई दैट इज एच एस और ये रिकमेंड होती है कि अगर एक डॉक्टर ने कोई रिकमेंड की है एट बेड टाइम यानी सोने सोते वक्त तो उसके लिए हम एच एस की एब्रीविएशन इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट इज आई डी इंट्राडर्मल यानी जेरे जेल के लिए यूज़ की जाने वाली अब्रीविएशन है आई एम इंट्रामस्कुलर के लिए यूज की जाने वाली एब्रीवियशन है आईवी इंट्रावीनस के लिए यूज की जाने वाली एब्रीवियशन है आई एन इंट्रानेजल यानी नाक के जरिए यूज की जाने वाली एब्रीविएशन है आई पी इंट्रापेटोनियल यानी पेरीटोनियम के जरिए तो इंट्रा इंट्रापेरिटोनियल के लिए आई पी की एब्रीविएशन यूज होती है एंज इंजेक्शो से माखूज है इंजेक्शन के लिए लॉट lot, लोशन के लिए यूज की जाने वाली एब्रीविएशन है लेक सोलूशन के लिए यूज की जाने वाली अप्रीवेशन है लेन लेनिमेंट यानी तिला के लिए यूज की जाने वाली है और ये लेटन वर्ड लिनिमेंटम से माखूज है नेक्स्ट इज एम माइस मिक्स यानी मिक्स करना मिलाना उसके लिए यूज की जाने वाली अप्रीवेशन एम और लेटन वर्ड माइस से माखूज है इट यानी रात के टाइम नाक्ट ये नॉकट से ली गई एब्रीविएशन एन एस नॉर्मल सेल के लिए यूज की जाने वाली टर्मिनोलॉजी है ओडी एक्लस डेक्स्टर या एक्स डेक्स्ट्रो इज एब्रीविएशन यूज फॉर राइट आई के एक डॉक्टर ने लिखा ओडी एक्स डेक्स्टर तो इसका मतलब है वो ड्रॉप जो है वो राइट आई में अप्लाई करने हैं या राइट आई आई में डालने हैं ओएस एक्युলাস सिनिस्टर या एक्युলাস सिनिस्टरो लेफ्ट आई के लिए यूज की जाने वाली एब्रिविएशन है ओयू एक्युলাস यूटर्क बोथ आईज के लिए यूज की जाने वाली एब्रिविएशन है पीसी पोस्ट सीबम यानी आफ्टर फूड पी पोस्ट सी सीबम यानी खुराक के बाद के डॉक्टर ने लिखा कोई मेडिसन है के खुराक के बाद लेनी है तो उसके लिए एब्रीविएशन पीसी यूज होती है पोस्टिबम यानी खाने के बाद या खुराक के बाद पी एम पोस्ट यानी दोपहर के बाद क्यू क्वाय एवरी के लिए यूज की जाने वाली एब्रीवियन है क्यू टू एच क्वाइक रहा यानी एवरी टू आवर यानी हर दो घंटे बाद के लिए जो एब्रीवियशन हम यूज करते हैं इसी तरह क्यू फोर एच एवरी फोर आवर्स के लिए यूज़ की जाने वाली एब्रीविएशन है कि हर चार घंटे के बाद इसी तरह क्यू सिक्स एच क्वाइक सिक्सट्रा हो रहा यानी हर छः घंटे के बाद तो इसके लिए जो एब्रीविएशन यूज़ करनी है क्यू सिक्स एच यानी अगर कोई मेडिसन है जो छः छः घंटे बाद उसको रिपीट करना है तो उसके लिए क्यू सिक्स एच की एब्रीविएशन यूज़ करते हैं क्यू एट एच क्वाइक ऑक्टिवा हो रहा यानी एवरी एट आवर्स यानी हर आठ घंटे के बाद क्यू डी क्यू डी क्वाइक डाई एवरी डे यानी रोजाना के लिए जो एवरीविएशन इस्तेमाल होती है क्यू डी दैट इजन फ्राम द लेटर वर्ड क्वाइक डाई क्यू आई डी क्वार्टर एंड डाई फोर टाइम्स यानी दिन में अगर चार बार कोई चीज रहनी है छंटे के वक्फे से तो उसके लिए जो हम एवरीविएशन यूज करते हैं क्यू आई डी क्वार्टर एंड डाई से माखूज है क्यू एच क्वाइक हो रहा एवरी आर आवरली यानी हर घंटे बाद क्यू एस कोंटम सफिशेंट असफिशेंट क्वान्टिटी यानी मुनासिब मकदार के लिए जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम जो एब्रीवियशन इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ क्यू एस टेकन फ्राम द लेटर वर्ड कोंटम सफिशेंट से ली गई एब्रीवियशन नेक्स्ट इज और एक्स और रेसिपी से मखूज है जिसका मतलब होता है प्रेस्क्रिप्शन यानी नुस्खा सेग आर एस सिगना से जो है वो माखूज है सिगना से एब्रीविएट हुआ जिसके मीनिंग है डायरेक्शन यानी सिम देना या कोई चीज़ की डायरेक्शन बताना कि इस्तेमाल कैसे करना है या कोई भी हिदायत जो होती हैं वो इसके लिए यूज़ होता है एस एस सीमेसी हॉफ के लिए यूज़ करते हैं एस ओ एस सी ओपर सेट इफ़ नेसेसरी अगर ज़रूरत हो तो एस ओ एस का एब्रीविएशन यूज किया जाता है टेकन फ्राम साई ओपर सेट सिग सिग्ना लेबल के लिए यूज किया जाता है स्टैट स्टैटम इमीजिएटली विद नो डिले इंपॉर्टेंट है ये अक्सर पेपर में आता है स्टैट के अगर डॉक्टर ने लिखा कि फॉरन पेशेंट्स को दे दें इमिजिएटली दे दें तो उसके लिए एब्रीविएशन इस्तेमाल होती है स्टैट दैट इज टेकन फ्रॉम द लेटिन वर्ड स्टैटम टी आई डी और टी आई डी टारी टाइम्स आ डे दे यानी दिन में तीन बार आठ आठ घंटे के वक्फे से नेक्स्ट टी एस पी टी स्पून फाइव एम एल तो ये एक चाय का चम्मच के लिए यूज की जाने वाली एब्रीविएशन है टी एस पी नौ दर एब्रीविएशन आर ए बी डी एबडोम के लिए यूज की जाती है ए बी ओ ब्लड ग्रुप क्लासिफिकेशन के लिए यूज की जाती है एब्रीविएशन बीसीजी बेसिलस जी गोरियन वैक्सीन जो टीबी की वैक्सीन है उसके लिए यूज़ की जाने वाली एब्रीविएशन है बी एस ए बॉडी सरफेस एरिया के लिए यूज़ की जाने वाली टर्म है बी एक्स बॉप्सी एक टेस्ट होता है जो कैंसर का के टेस्ट के इसमें किया जाता है तो उसके लिए बी एक्स की एब्रीविएशन इस्तेमाल करते हैं इस तरह सी एच एफ हार्ट फेलियर के लिए यूज की जाने वाली टर्मिनोलॉजी सी एच एफ जेनिटल हार्ट डिजीज के लिए सी एच डी टर्म इस्तेमाल की जाती है ई आर नोज एंड थ्रोट के लिए जो एब्रीविएशन इस्तेमाल की जाती है ई एंड टी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के लिए जो हम एब्रीविएशन इस्तेमाल करते हैं ई सी जे फास्टिंग ब्लड शुगर के लिए जो टर्म इस्तेमाल की जाती है एफ बी एस है और इस तरह फैमिली हिस्ट्री के लिए एफ एच और फ्रैक्चर जो होता है बोन फ्रैक्चर है तो उसके लिए एफ एक्स की एब्रीविएशन या टर्म इस्तेमाल की जाती है हीमोग्लोबिन के लिए एच बी की टर्म इस्तेमाल की जाती है हिस्ट्री के लिए एच एक्स की टर्म इस्तेमाल की जाती है और डीमा के लिए ओ की टर्म इस्तेमाल की जाती है मायोकार्डियल इन्फॉर्कशन के लिए एम आई यानी हार्ट अटैक जो है मायोकार्डियल इन्फॉर्शन दैट इज हार्ट अटैक उसके लिए एम आई की टर्म इस्तेमाल की जाती है हाइपरटेंशन के लिए जो एब्रीवियशन इस्तेमाल करते हैं एच टी एन यानी बाय बाई माउथ मुंह के जरिए जो हम यूज़ इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ मेडिसिन उसके लिए पी ओ पर ओरल का जो है वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है पेशेंट के लिए पी टी की एब्रीवियशन इस्तेमाल की जाती है और राइट के लिए आर टी की एब्रिविएशन इस्तेमाल की जाती है एस एल सब यानी जेरे जबान के लिए जो हम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं हॉस्पिटल के अंदर दैट इज़ एस एल इसी तरह टेम्परेचर पल्स और रेस्पिरेशन के लिए जो टर्म इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ टी पी आर अल्ट्रासाउंड के लिए जो एब्रिविएशन इस्तेमाल किया जाता है जो एस है वाइटल साइंस के लिए वी एस का टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है वेट के लिए डब्ल्यू टी की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है एक्सरे के लिए एक्सोआर की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है जीअर ओल्ड यानी एज के लिए वाई ओ की एब्रीविएशन इस्तेमाल की जाती है हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस के लिए एच एल बी की एब्रीविएशन इस्तेमाल की जाती है हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस एक रेशियो है फॉर यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ इमल्शन के जब इमल्शन को तैयार किया जाता है तो ऑयल एंड वाटर 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 एंड ऑयल में जो रेशो रखी जाती है उसे कहा जाता है एच एल बी हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस पी डी प्रोफाइल डोज के लिए यूज़ की जाने वाली नॉलोजीज़ है एब्रीविएशन है यानी हिफ्ज मातकदम के तौर पर जो डोज दी जाती है उसे पी डी प्रोफाइलैक्टिक डोज कहा जाता है मिसाल के तौर पर मलेरिया के लिए और तीन टेबलेट्स देते हैं एज ए प्रोफाइलेक्टिक डोज नाउ वी डिस्कस अबाउट सम एम सी क्यूज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट जैसे मैंने बताया कि पेपर में अक्सर इनमें से एक दो एम सी क्यूज आ जा आ सकते हैं सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन आपने करेक्ट ऑप्शन इसमें से सिलेक्ट करना है द वन एम सी क्यूज इज द सिम्बल आर एक्स इज यूजली सेट टू बी स्टैंड फॉर द लेटन वर्ड रेसिपी मीनिंग इसके क्या मीनिंग होते हैं टू सेंड टू मेक टू टेक और टू रीड तो इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी टू टेक यानी आर एक्स जो रेसिपी से माखूज है इसका मतलब है आप ले लें नेक्स्ट uh, जो एम है दैट इज वट डूज वट डा सी मीन्स इन फार्मेसी यानी फार्मेसी सी से क्या मुराद है यानी ए सी वे लाइन ओवर एट अगर इस पर बार भी होगा सी पे तो एक फार्मेसी में इससे क्या मुराद ली जाती है वट डज सी मीन इन फार्मेसी विद टू मेक विदाउट टू रीड इसका क्या मतलब होता है विद यानी साथ जैसे हम अगर कहते हैं कम एक्वा यानी सी ए क्यू लिखेंगे कम एक्वा तो इसका मतलब हो, होगा पानी के साथ नेक्स्ट इज वट डज टी डी एस मीन के टी डी एस का क्या मतलब है टू बी टेकन थ्री टाइम्स अ डे टू बी टेकन टू टाइम्स डेली टू बी टेकन फोर टाइम्स अ डे टू बी टेकन फाइव टाइम्स डेली तो टी टी एस टाडा से ये मा अब्रीवेट है उसकाडम तो इसका मतलब ये होता है कि दिन में तीन बार यानी आठ आठ घंटे के वकफे से लें तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर अब इसके लिए टी डी एस की एब्रीवियशन भी इस्तेमाल होती है और टी आई डी की भीशन इस्तेमाल होती है टी डी एस टाइमेंडम टी आई डी टाइम के जो मीनिंग है वह है नेक्स्ट इज फोर्थ इन मेडिकल एसओ एस मीन इफ नेसेसरी स्टैंड फॉर यानी मेडिकल में जो हम एसओ एस की टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसका मतलब है बा बावक्त जरूरत तो ये इसका जो वर्ड है जिससे ये एब्रीविएट हुआ हुआ है वो कौन सा है सेव आवर सोल साई ओपस आवर शिप सेंड आवर स्कोर तो इस ये कहाँ से एब्रिविएट हुआ तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी साई ओपस सेट जिसका मतलब है इफ़ नेसेसरी अगर जरूरत हो तो नेक्स्ट नंबर फाइव ड व्हाट डज एसी स्टैंड फॉर एसी किसके लिए स्टैंड कर रहा है बिफोर मील आफ्टर मील बिटवीन मील या एट नाइट तो इसका करेक्ट जो आंसर है दैट इज बिफोर मील वट डज प्लस प्लस मीन्स इन मेडिकल टर्म यानी मेडिकल में एक टर्म इस्तेमाल होती है सिंगल प्लस या डबल प्लस या ट्रिपल प्लस तो यहाँ पे हमने जो एम सी क्यूज पूछा है वट डज प्लस प्लस मीन्स इन मेडिकल टर्म नोटेड एट प्रेजेंट बी ऑप्शन है प्रेजेंट सिग्निफिकेंटली सी ऑप्शन है प्रेजेंट इन एक्सेस और डी है नॉट प्रेजेंट यानी किसी चीज़ की मौजूदगी के कोई टेस्ट किया जाता है या किसी चीज़ की मौजूदगी होती है तो उसके लिए ये साइन इस्तेमाल किया जाता है तो अगर सिंगल प्लस है तो इसका मतलब है नोटेड यानी ये चीज़ मौजूद है नोट की गई है और अगर वो ज़्यादा मकदार में है तो फिर उसके लिए डबल प्लस का जो है वो सिंबल इस्तेमाल करते हैं जो ये शेयर करता है कि प्रेजेंट सिग्निफिकेंटली और अगर ज़्यादा मेदार में काफ़ी मकदार में वो मौजूद है तो फिर ट्रिपल प्लस का सिंबल इस्तेमाल करेंगे जिसका मतलब है प्रेजेंट इन एक्सेस तो डबल प्लस हमने एम में पूछा तो इसका बी ऑप्शन दुरुस्त होगा यानी प्रेजेंट सिग्निफिकेंटली नेक्स्ट सेवन इज एम एम आर इज वैक्सीन यूज फॉर प्रोटेक्शन फ्राम एक वैक्सीन का हमने यहाँ जिक्र किया है कि एम एक वैक्सीन है ट्राइवेलेंट वैक्सीन है और ये किस डिज़ीज़ की प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं माम्स रुबैला मीज़ल्स या माम्स रुबैला एंड मीजल्स तो ये ऑप्शन डी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है कि एम एम आर रुबैला एंड मीजल्स के लिए को एब्रीविएट करके एम एम आर लिखा गया तो ये एक वैक्सीन है दैट इज़ यूज़ फॉर मामस रोबैला एंड मीज़ल्स इसी तरह नेक्स्ट एक वैक्सीन है डी पी टी एज अ वैक्सीन यूज फॉर प्रोटेक्शन फ्राम डिपथेरिया टेटनस ऑल ऑफ द दीज तो इसका आंसर भी करेक्ट होगा डी ऑल ऑफ दीज क्योंकि डी पी टी एक ट्राइबलेंट वैक्सीन है ये भी तीन वैक्सीन का मजमू है इसमें डिपथेरिया की वैक्सीन होती है टेटनस की वैक्सीन होती है और प्रोसेज यानी काली खांसी की वैक्सीन होती है डिपथेरिया खुनाक को कहते हैं टेटनस तशन्ुज को कहा जाता है तो ये खुनाक की तशन्ज की और काली खांसी की कंबाइन वैक्सीन है जिसको हम डी कहते हैं तो ये एब्रीविएशन है डी पी टी फॉर डिप्थेरिया टेटनस एंड का नेक्स्ट एक टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं पर्व इज एब्रीविएशन ऑफ परवस अम, अम की एक एब्रीविएशन है इसका मतलब क्या होता है ऑप्शन ए स्मॉल ऑप्शन बी लार्ज ऑप्शन सी पाउडर ऑप्शन डी लार्ज तो इसका दुरुस्त जो आंसर है दैट इज समाल पर्व पर्वस अम से माखूज है जिसका मतलब है छोटा सेम इसी तरह एक और टर्म है पल्व इज एब्रीवेशन ऑफ पल्विस से ये एब्रीवेशन है इसका मतलब क्या होता है स्मॉल लार्ज पाउडर लार्ज तो इसका जो सही जो मीनिंग है दैट इज पाउडर पाउडर के लिए पल्व का जो एब्रीवेशन है वो ये टर्म इस्तेमाल की जाती है बी या बेसिलस कार्मेटेगोरियन एज ए वैक्सीन फार टूबरकोलोसिस यानी टी बी डिजीज टाइफाइड येलो फीवर टेटनस सो so बी की जो वैक्सीन है वो टी के लिए होती है तो इसका ऑप्शन ए दुरुस्त होगा सो स्टूडेंट्स दीज आर द एम आज के लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया हमने शॉर्ट क्वेश्चंस देखे कि एक एब्रिवियशन जो हम यहाँ पे जो टर्म्स इस्तेमाल करते हैं बेसिकली वो टर्म्स क्या होती हैं ये शॉर्ट फार्म होती है ये, ये क्यों हम शॉर्ट टर्म इस्तेमाल शॉर्ट फार्म इस्तेमाल करते हैं एब्रिवियशनस का क्यों इस्तेमाल किया जाता है टाइम को बचाने के लिए और स्पेस को बचाने के लिए शॉर्ट फार्मस का यूज़ किया जाता है इसके अलावा हमने बहुत सारी एब्रीवियशंस के बारे में डिस्कस किया और लास्ट में हमने चंद एम के बारे में भी डिस्कस किया ये एम बहुत इम्पॉर्टेंट हैं पेपर में अक्सर इनमें से आ जाता है आपने इसको ब़ौर स्टडी करना है अगर स्टडी करने के बाद भी अगर आपको कोई मुश्किल लग रही है कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो आप ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं यू विल बी आंसड थैंक यू वेरी मच